जादूगर हूं मैं, जादूगर दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट बीजेपी के। आज धीरे 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 करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो जीरो हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी जीरो हो जाएगी। ये सारी इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ। इन्होंने पूरी कोशिश करी, पंजाब के बाद जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे, इन्होंने चुनाव टाल दिए, कानून ले आए, नगर निगम को एक करेंगे, हमने कहा कर लो जी। फिर अब इन्होंने डिलिमिटेशन करी है, बता रहे हैं सारे बीजेपी के एरिया इकट्ठे कर दिए, आम आदमी पार्टी के एरिया अलग कर दिए, इनको लगता है इनको सीटें आ जाएंगी। अरे इस बार तुम्हारे बीजेपी वाले भी तुमको वोट नहीं देने वाले। और ये जितने वहां पे विरोध कर रहे हैं पुल के उस बार खड़े हैं, मेरे ख्याल से जितने विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विरोध कर रहे हो मेरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की शिक्षा मैं दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को तो केजरीवाल ही पढ़ाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कल को तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कोई बीजेपी वाला पूछने नहीं आएगा, केजरीवाल तुम्हारी दवा दारू का इंतजाम करेगा। मेरे को गाली देनी है ना दे लो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे।